और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब को आपकी अर्निंग बढ़ाने के लिए। आपको पॉपुलर होना अगर यूट्यूब पे तो आपके ये बहुत काम आएगी। तो फर्स्ट टिप जो है वो मैं आपको बता दूँ, वो है यूट्यूब के थंबनेल्स। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छा थंबनेल बनाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आपके अट्रैक्ट करेगा किसी और को। अगर आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक इमेज दिया है, दोनों थंबनेल्स को देख लीजिए आप, उनके कितने अर्निंग हुई है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छा थंबनेल बनाएंगे तो अच्छा, अगर आपको थंबनेल बनाना है तो आप एंड्रॉयड थंबनेल बना रहे हैं अगर, तो आप फोटोशॉप टच का हेल्प ले सकते हैं। मैंने डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप देख सकते हैं वहाँ से। सो अगर आप थंबनेल अच्छा बनाएंगे तो वो वीडियो को अट्रैक्ट करेगा, तो सब आपके वीडियो को देखेंगे जाके। और कई लोग जो हैं वो थंबनेल छोड़ देते हैं ऐसे ही, वो थंबनेल बनाते नहीं है, वीडियो बनाते हैं और पोस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप थंबनेल नहीं बनाएंगे तो वीडियो पर अट्रैक्शन आपकी नहीं आएगी। तो सबसे पहला ये है जो आप थंबनेल बनाएं। सो दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे टिप पे, और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन को जितना भी हो सके उतना लंबा लिखें। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जो आप जितना लंबा लिखें उतना अच्छा आपके लिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एंड्रॉयड ट्रिक्स से कोई रिलेटेड वीडियो बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बनाई है फ्री इंटरनेट, तो कोई अगर फ्री इंटरनेट सर्च करेगा तो आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा और वीडियो टाइटल भी रहेगा तो वो सबसे ऊपर में आएगी आपकी। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन लंबा लिखेंगे तो आपके लिए ये अच्छी है, अच्छी बात है अगर आप डिस्क्रिप्शन लंबा लिखते हैं। तो कई लोग ऐसे ही करते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिखते नहीं है, बोलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस इतना सा मैं लिख के उन छोड़ देते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ डिस्क्रिप्शन जितना हो सके उतना लंबा लिखें, इसकी कोई लिमिट नहीं है, 100 वर्ड 200 वर्ड, तो आप जितना हो सके उतना लंबा डिस्क्रिप्शन लिखें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पर, जो है यूट्यूब टैग्स। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर यूट्यूब टैग्स क्या होती है। सो यूट्यूब टैग्स का आप काफ़ी यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, और यूट्यूब टैग्स एक अच्छा जरिया है जिसके आपको वीडियो देखा जाए, वो सजेस्टेड वीडियो के बगल में आ जाएगी आपकी वीडियोज़ अगर वो टैग्स और उसके टैग्स सेम हो। कई लोग टैग्स के बिना ही यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं, सो ये सही नहीं है। और अगर आप टैग्स 13 से ज़्यादा करेंगे तो वो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन के ख़िलाफ़ होगा। मैं तो 5-6 टैग्स ही यूज़ करता हूँ, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो टैग्स भी एक अच्छा ज़रिया है अगर आपको यूट्यूब अर्निंग बढ़ानी है, यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने हैं अपने, तो टैग्स काफ़ी अच्छा आपके लिए। आप टैग्स को यूज़ करिए, उसे खाली मत छोड़िए, टैग्स को जितना हो सके यूज़ करिए, बट 13 को क्रॉस मत करिए। अब आते हैं हम लोग दोस्तों ड्यूरेशन में। तो एक वीडियो में आप कितना लंबा वीडियो बना सकते हैं, वो अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप टैक्स रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो स्मॉल वीडियो ही बनाइए, 5 मिनट्स 6 मिनट्स की। लेकिन अगर आपको टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाना है, आपके 100 सब्सक्राइबर 150 सब्सक्राइबर्स पार कर चुके हैं, तो आप पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा होगी, तो आप 10 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाएंगे तो क्या होगा, आप उसमें मल्टीपल ऐड डाल सकेंगे। तो मल्टीपल ऐड्स डालने से क्या फ़ायदा होगा, तो यूट्यूब पैसे किस लिए देती है, वो एड्स अगर आप देखेंगे तो ही यूट्यूब पैसे देगी। तो अगर एड्स अगर आप देखेंगे, मल्टीपल एड्स अगर आप 10 मिनट या फिर 14 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें 4 से 5 ऐड डालिए, ज़्यादा ऐड मत डालिए ताकि व्यूवर्स जो है परेशान ना हो। सो एड्स ज़्यादा आएंगी आपके यूट्यूब पे वीडियोज़ पे, तो आपको ज़्यादा अर्निंग होगी इसी से। सो आप ड्यूरेशन एक लिमिट में बनाइए, अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बना रहे हैं तो ऐसी वीडियो बनाइए तो आदमी बोर ना हो उस पर, अगर वो बोर होगा तो वीडियोज़ आपकी क्यों देखेगा, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा फोर्थ स्टेप, वो था ड्यूरेशन, कितना लंबा आप वीडियो बनाएंगे। सो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने फिफ्थ स्टेप पर। तो इसमें अगर आप, मैं बता दूँ आपको एनोटेशंस क्या होती है। एनोटेशंस वो है अगर आप कोई लंबी वीडियो बना रहे हैं 10 मिनट से ऊपर की, और अगर आपको कोई भी व्यूवर जो है बोर हो रहा है, आपके वीडियो रिलेटेड टॉपिक आपको उसको पसंद नहीं आ रही है, तो आप एनोटेशंस डाल सकते हैं। सो उससे अगर आप, अगर उस पर क्लिक करेगा कोई तो वो दूसरी वीडियोज़ पर जाके उस वीडियो को देख सकता है।
सो एनोटेशन एक अच्छा ज़रिया है उससे भी अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। एनोटेशन का आप यूज़ करिए सब, जो आप एक भी अगर आप मिस कर देंगे ये सारे टिप्स और ट्रिक्स, तो आपकी वीडियोस व्यूज़ नहीं आएंगी, आप पॉपुलर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों ये सब, ये फिफ्थ टिप्स थी। तो मैं अगर अब जाता हूँ अपने सिक्स स्टेप पर। सो दोस्तों अब आते हैं वीडियोस के कार्ड्स पे। सो आप कार्ड्स डाल सकते हैं अपनी वीडियो पे ग्रीटिंग्स के हिसाब से, मतलब कि अगर आप पूरा वीडियो बना चुके हैं, लास्ट में जो आउटरोड आप डाले हैं 10 सेकंड की या फिर 15 सेकंड की, जितने भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, तो एक कार्ड आएगा वहाँ पर, आप अपने कार्ड को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो अगर वो वीडियो उसको पसंद आए तो वो आपके दूसरे वीडियो पर भी जाएगा, आपके वीडियोस के ऊपर ही कार्ड जाएगी। सो ये भी एक अच्छा ज़रिया है दोस्तों, एक अच्छा स्रोत है जिससे आप अपने वीडियोस के व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, अपनी सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं। तो कार्ड्स का भी यूज़ करिए, सारे ट्रिप्स को अच्छे से यूज़ करिए और एक हिसाब से यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि अगर आप 2 घंटे की वीडियो बना लिए, कुछ भी उसमें बोल दिए, तो आपको वीडियो में व्यूज़ नहीं आएंगे दोस्तों। अगर वो आपकी वीडियो देख रहा है तो किस मतलब के लिए देख रहा है ना। सो कार्ड्स का यूज़ करिए और मैक्सिमम आप 5 कार्ड्स डाल सकते हैं एक वीडियो पे लास्ट पे। सो अब आते हैं हमारे अपने 7th स्टेप पर, और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अगर बना रहे हैं वीडियो तो आप रेगुलर अपडेट करिए उस पर। आप जो प्रॉमिस करेंगे, जैसे कि आपने प्रॉमिस किया कि मैं हर एक दिन एक नई वीडियो बनाऊँगा, तो हर एक दिन एक नई वीडियो बनाइए। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद एक और वीडियो बनाया, बोल दिया कि कुछ और ये प्रॉब्लम थी। आप रेगुलर अपडेट्स करिए, जो भी हो आपको रेगुलर अपडेट्स करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लिख दीजिए अपने डिस्क्रिप्शन पे वीडियो की कि मैं नेक्स्ट वीडियो इतने टाइम में डालूँगा। सो अगर आप रेगुलर अपडेट्स अपने वीडियो पे डालेंगे तो उससे आपकी ट्रैफिक जनरेट होगी, एज अ रिज़ल्ट आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो पॉपुलरिटी बढ़ेगी आपकी, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं आपको ज़्यादा अर्निंग होगी ही। तो दोस्तों आप रेगुलर अपडेट करते रहिए, ऐसा भी आप अपना प्रॉमिस करते हैं व्यूवर्स को। सो दोस्तों हमारी 8th टिप में मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स के बारे में। तो कई लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइबर आप बाई कर सकते हैं, तो ये क्या सही होगा? मैंने तो आज तक बाई नहीं किया आप सब्सक्राइबर्स बाई करके कुछ आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर, अगर चाइनीज सब्सक्राइबर आपके सब्सक्राइब करेगा चैनल पर, तो उसे क्या कुछ समझ में आएगा? आप अगर हिंदी में कुछ बना रहे हैं तो सब्सक्राइबर कोई यहाँ पर काम नहीं है। सब्सक्राइबर आपको मिल तो जाएगी, बट ये बहुत चीप हरकत है। अगर आप सब्सक्राइबर्स gamesubs.com, ये भी एक सब्सक्राइबर्स का जगह है जहाँ से आप सब्सक्राइबर्स ले सकते हैं, वो भी फ्री में। तो फ्री सब्सक्राइबर्स में आप यहाँ से ले सकते हैं गेम सब्सक्राइबर्स, सब मी नाउ, सब पैल्स, और भी काफ़ी सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री सब्सक्राइबर्स मिलती है। बट अगर मैं आपको बताऊँ तो आप कभी ये सब यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका YouTube अकाउंट बैन भी हो सकता है, आपकी जितनी अर्निंग है वो सारी गायब। तो सब्सक्राइबर्स बाय ना करें, व्यूज़ बाय ना करें, लाइक्स बाय ना करें, और अपने वीडियोस को कभी हैकिंग के रिलेटेड वीडियोस ना बनाएं। सो अगर हैकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आप उस कंपनी का जिसे आप, जैसे मान लीजिए आप एसफॉल्ट 8 को हैक करने का वीडियो बनाएं, तो एसफॉल्ट 8 का जो प्रोड्यूसर है, जो मालिक है, उसका अंडर में जो काम करते हैं, वो अगर वीडियो देखेगा आपकी तो वो रिपोर्ट कर देगा आपको। सो इससे एक स्ट्राइक आ जाएगा आपके वीडियो पे, तो वो वीडियो आपकी मोनेटाइज जो है नहीं होगी। सो दोस्तों मोनेटाइज नहीं होगी तो उससे आप एक भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उस वो वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाए, और 3 बार ऐसा अगर आपने किया तो आपकी सब ख़त्म, यूट्यूब करियर ख़त्म, जितना सब्सक्राइबर्स था सब वापस ख़त्म। सो दोस्तों अब आते हैं लैंग्वेज पर। तो अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, जैसे गेमिंग का वीडियो बना रहे हैं, या फिर अगर आप कोई टेक्स रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, या फनी प्रैंक्स बना रहे हैं, तो आप एक ही लैंग्वेज में रखिए। अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो हिंदी में रखिए, इंग्लिश में बना रहे तो इंग्लिश में ही रखिए। लैंग्वेज चेंज करिए तो उससे आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो भटकेंगे और आपको ट्रैफिक जनरेट नहीं होगी आपके चैनल पर। और दोस्तों आपने काफ़ी सारे चैनल्स देखे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल विवेकी वाइंस, कैरविन आर्टी, ये सब जो है बहुत ही फेमस चैनल्स हैं, और ये सब जो है काफ़ी बैड लैंग्वेज की यूज़ करते हैं। बट YouTube से एक नया लॉ पास हुआ है कि अगर कोई भी गालियाँ दे YouTube पर, कोई बैड लैंग्वेज यूज़ करे, स्लैंग्स यूज़ करे,
उसकी चैनल्स को जो है बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ टिप्स और ट्रिक यूट्यूब पे बिगनर्स लोग के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें आप मेरे वीडियोस को। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हर दिन आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। We'll be right back.